हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रुद्रा आर्य अकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दिवाली का धमाका हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा जो 57 नई पंचायत समितियां गठित की गई थी, उसमें जो 1426 ग्राम पंचायतों के साथ साथ कौन से पद, जिसमें वरिष्ठ लिपिक के, कनिष्ठ लिपिक के, विकास अधिकारी, जहाँ दोस्तों डेवलपमेंट ऑफिसर जिसमें बहुत बड़ी पोस्ट मानी जाती है, उसके तक यहाँ पर पद सृजित किए गए और इसका नोटिफिकेशन अब यहाँ पर पूरा डेटा तैयार कर दिया गया। अब इसको राजस्थान सेवा अधीन बोर्ड भिजवाया जाए और जैसे ही वहां पर भिजवाया जाएगा आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। और राजस्थान सेवा अधीन बोर्ड के द्वारा आपके ग्राम सेवक की जो 1426 तो ये पद है, उसके अलावा कितने और पद यहां पर जोड़ करके टोटल मिलाकर के आपके ग्राम सेवक की कितनी पदों पर यहां पर भर्ती निकाली जाएगी, पूरी अपडेट है दोस्तों। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप इस पीडीएफ फाइल को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, या फिर मरुद्रा आर्य एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम पर, वहां से जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है। यहां पर 13/11/2020 का यहां पर राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें पंचायती राज विभाग में 57 नवगठित पंचायत समितियों एवं 1426 ग्राम पंचायतों में निम्नानुसार पद यहां पर सृजित किए गए। आप देख सकते हैं यहां पर विकास अधिकारी, जी हां दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफिसर बहुत बड़े पद माना जाता है दोस्तों। बहुत बाद में प्रमोशन हो करके यहां पर विकास अधिकारी बनता है, लेकिन यहां पर डायरेक्ट ही विकास अधिकारी के 57 पद यहां पर सृजित किए गए हैं। और ये पद यहां पर प्रति पंचायत समिति एक पद है, इसमें आपके पद नाम दिया गया है, जिसमें विकास अधिकारी लेवल है इसका L14, ग्रेड पे इसकी 5400, पे बैंड है यहां पर 15600 लेकर के 39100। पद 57 प्रति पंचायत समिति एक पद। उसके अलावा अतिरिक्त विकास अधिकारी है, जो कि असिस्टेंट टाइप से माना जाता है, L11 के अनुसार लेवल है L11, पे ग्रेड पे यहां पर 4200, उसके अलावा पे बैंड 93,034 से लेकर के 34,800, 57 पद। इसी प्रकार से यहां पर प्रगति प्रसार अधिकारी, कार्यालय सहायक, कनिष्ठ अभियंता, जी हां दोस्तों, यहां पर कनिष्ठ अभियंता के पद है। उसके अलावा वरिष्ठ लिपिक, जी हां दोस्तों, वरिष्ठ लिपिक के भी यहां पर पद है, क्योंकि कनिष्ठ लिपिक की तो अभी भर्तियां निकली थी, लेकिन वरिष्ठ लिपिक के यहां पर 57 पद है, जो कि प्रति पंचायत समिति एक पद है। यहां पर सहायक लेखाधिकारी के L12 के अनुसार ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा सबसे जो हम बात करना चाहते हैं वो है आपके यहाँ पर ग्राम विकास अधिकारी के L6, जिसमें आपकी जो पे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लेवल रहेगा आपका L6 रहेगा, ग्रेड पे रहेगी यहाँ पर 2400, पे बैंड रहेगा यहाँ पर 5200 से लेकर के 20,200। उसके अलावा जो पद आपके सृजित किए गए 1426, यहाँ पर प्रति ग्राम पंचायत एक पद, 30 ग्राम पंचायतें जो कि नगर पालिका में परिवर्तित हो गई है उनमें स्वीकृत 30 पदों का समय है, जो उपरांत कुल मिलाकर के यहाँ पर 1426 पद सृजित किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर कनिष्ठ लिपिक, जूनियर असिस्टेंट के भी यहाँ पर पद है L5 के अनुसार, 2400 से लेकर के 5200 से 20,200, 114 प्रति पंचायत समिति यहाँ पर दो पद सृजित किए गए। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर। अब जल्दी से ही ये यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर 1426 पदों के लिए बोला गया है 57, उसके अलावा पहले भी यहाँ पर मिला करके 2100 से लेकर के 2100 प्लस यहाँ पर पहले वैकेंसी की घोषणा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ग्राम सेवक की, तो आपके जो टोटल जो पद आएंगे आपके ग्राम सेवक के दोस्तों, वो आएंगे आपके 3600 के लगभग यहाँ पर पद आएंगे। अगर इतने भी नहीं आते तो 3200 पद तो आपके कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, मैंने इसका सिलेबस पहले बता दिया, इसका संभावित सिलेबस क्या रहेगा। उसके अलावा दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके जो भी आपने अभी जो पटवार की तैयारी कर रहे हैं, सेम यहां पर लगभग 99% आप सिलेबस मान के चलिए, सिलेबस और पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो दोस्तों, तैयारी में लग जाइए, पटवारी की अच्छी तैयारी करोगे तो आपको ग्राम सेवक बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। और पटवारी की ग्राम सेवक की नौकरी अच्छी नौकरी मानी जाती है दोस्तों, पटवारी से और बेहतर इसको माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, फटाफट। धन्यवाद।